हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। आलोक इंडस्ट्री में दोस्तों अभी के टाइम पे कितना एक जबरदस्त एक बज आया है, एक मोमेंट आया है, और आगे कितना वो सरवाइव करने वाला है ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता जा रहा है। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम का उसने सारे हाई को तोड़ के ऊपर ऑलरेडी वो जा चुका है। क्या है इसके पीछे का रीजन, ये हम दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही में और कितना ऊपर ये जा सकता है, क्या हमें अपना प्रॉफिट निकाल कर यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हम इसका एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ दोस्तों एनएससी की साइट के ऊपर। और देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं एनएससी की साइड में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके प्राइस एक्शन को तकरीबन दोस्तों आज के दिन ये 25.85 रुपए पर ओपन हुआ। इसने हाई बनाया 29.20 रुपए का, और एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 28.70 रुपए की दी। हालांकि 25.50 रुपए दोस्तों ये लो भी गया था। अच्छा, नीचे अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर तकरीबन 29% की डिलीवरी उठाई गई है। तकरीबन 17 करोड़ से ज्यादा स्टॉक्स में यहाँ पर ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 5 करोड़ से ज्यादा स्टॉक्स जो हैं ये डिलीवरी में उठाए गए। अच्छा, डिलीवरी क्वांटिटी अगर हम देखें ध्यान से तो वो इतनी मैसिव नहीं है जितनी बड़ी यहाँ पर हमको ग्रोथ दिखाई दी है। क्या है इसके पीछे का रीजन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर। और देखिये यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो आपको समझ में आएगा कि अभी फिलहाल इसका जो टेक्निकल रेटिंग है वो बुलिश हो गया है। क्यों वेरी बुलिश हो गया है ये हम सभी जानते हैं, बहुत दिनों के बाद दोस्तों यहाँ पर जंप दिखाई दी है। सो डेफिनेटली टेक्निकली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई दे रही है। वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट क्या है वो हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा नीचे आइए और वॉल्यूम को देखिए। लास्ट मंथ, लास्ट वीक और यस्टरडे सबको इसने पीछे छोड़ दिया है आज के दिन। हालांकि कल की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी जबरदस्त जंप दिखाई दी थी, तकरीबन 13 करोड़ की दोस्तों कल के दिन भी यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुई थी, जिसमें से तकरीबन 5 करोड़ स्टॉक्स जो है वो डिलीवरी में उठाए गए थे। और बात करें अगर हम आज की तो तकरीबन 20 करोड़ दोस्तों यहां पर वॉल्यूम जनरेट हुआ, जिसमें से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। सो इतनी बड़ी वॉल्यूम जनरेट हुई है, कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट भी दिखाई देना ही है, और वही हुआ। अगर मैं आपको लेकर चलूं इसके चार्ट के ऊपर तो आप देख पाएंगे ये कितनी बड़ी एक कैंडल दिखाई दे रही है। दो कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, और वॉल्यूम देखिए नीचे आपको समझ में आएगा कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। बहुत से लोग दोस्तों यहाँ पर फंसे हुए थे, देख सकते हैं आप कितना लंबा एक कंसोलिडेशन पीरियड है यहाँ से तकरीबन हम मानकर चलिए ये जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी, और लगातार उसके बाद जब लोअर सर्किट लगना चालू हुआ उसके बाद दोस्तों अब जाकर यहाँ पर इतनी बड़ी एक मूवमेंट दिखाई दी है। एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो तकरीबन सितंबर 2020 के बाद अब यहाँ पर हमें इतनी बड़ी जंप दिखाई दे रही, मतलब कितना लंबा ये कंसोलिडेशन पीरियड था आप खुद समझ कर चलिए। और मैं आपको ध्यान से दिखाऊं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी दोस्तों अच्छा खासा जनरेट हुआ है। अगर आप यहाँ से इसको देखें तो आपको समझ में आएगा, ये देखिए तो ये ब्रेकआउट भी यहाँ पर आया। ब्रेकआउट के आने के बाद साथ में वॉल्यूम भी था, और यहाँ पर कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर देखिए ये अपसाइड कैंडल बनी है। और फिर जैसे ही दोस्तों इसने कल के दिन इतनी बड़ी कैंडल बनाई तो डेफिनेटली इसका जो नियर टर्म वाला हाई था, मतलब क्या मतलब ये वाले हाई की मैं बात करूं तकरीबन 26.45 रुपए, इसको जैसे ही क्रॉस करता ये वैसे ही यहाँ पर एक और बड़ी जंप दिखाई दी थी। वैसा ही हुआ, यहाँ पर जैसे ये हाई टूटा तो इसने एक नई जंप दिखाई और 29.20 रुपए पर दोस्तों इसने अभी फिलहाल पे क्लोजिंग दी है। और भी बहुत से इंडिकेटर यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एमएससीडी को इंक्लूड करूँ तो देखिए आप एमएससीडी इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए एमएससीडी में किस तरीके से यहाँ पर आपको सिग्नल लाइन जो है वो एमएससीडी लाइन को क्रॉस करके एक शार्प अपसाइड दिखाने की कोशिश कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जंप आनी ही थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आरएसआई की तो चलिए वो भी देख लेते हैं। आरएसआई पे अगर हम जाते हैं तो आप देखिए पिछले 2 दिनों के अंदर दोस्तों इसने 48 के लेवल से अभी ऑलरेडी ये 80 क्रॉस कर चुका है। एंड अभी का अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो तकरीबन ये 84 के करीब इसका आरएसआई है, मतलब ऑलरेडी ये ओवरबॉट जोन पे जा चुका है।
ऑब्वियस सी बात है, इतने दिनों बाद सडन एक रेंज दिखाई देगी, तो ऐसा तो होगा ही फॉर श्योर। हमें यहाँ पर अभी थोड़ा सा अलर्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अब यहाँ पर फिर से लोग फंस सकते हैं, वापस से यहाँ पर कुछ नए लोग एंट्री करेंगे। छोटा सा स्टॉक है, कम प्राइस का स्टॉक है, डेफिनेटली बहुत से लोग सोचेंगे कि चलिए इतनी अच्छी जम दिखाई दे रही है, मैं भी यहाँ पर बाइंग कर लेता हूँ, देन आफ्टर अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। सो एंट्री लेने का टाइम दोस्तों अभी जा चुका है, अगर आप इस प्राइस को जैसे इसने हिट किया था तब एंट्री लेते तो आपको प्रॉफिट हो गया होता, बट ये अभी बीच मझधार में है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या रेंज दिखाई दे सकती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, RSI को अलग करते हैं, MACD को भी अलग करते हैं। सो देखें हम, अब यहाँ पर इसके बाद ये जो आपको एक हाई दिखाई दे रहा है तकरीबन 33 का, 33 का, जब तक इसे क्रॉस ना करे मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ये इसको क्रॉस करता है देन आफ्टर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, फिर एक नई जम दिखाई देगी, डेफिनेटली आपको उसके लिए अपडेट कर दूंगा। Although, आपको इसका वेट जरूर करना चाहिए, अगर नहीं करता है तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। अब जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग करके रखी है वो क्या करें, वो भी दोस्तों इस प्राइस का वेट करें। अगर ये 33 की रेंज को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको और प्रॉफिट होने वाला है। ऑल्दो अगर मंडे के दिन यहाँ पर थोड़ा बहुत ये मूवमेंट लेके अगर नीचे आता है तो आपने आज का ही जो लो था उसे अपना स्टॉप लॉस मान लेना चाहिए। मतलब इस कैंडल का अगर हम लो देखें तो तकरीबन 25.55 रुपए था, और वही आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। उससे नीचे आए तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपको निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट का आपको बेनिफिट भी जरूर उठाना चाहिए। इस इंतजार में बिल्कुल मत बैठना कि अब ये एक साथ 50-60 क्रॉस कर देगा और हमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। देखिए, हो सकता है आने वाले टाइम पर ये उस प्राइस को भी क्रॉस करेगा, अगर आप में इतनी पेशेंस है देन डेफिनेटली आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो और भी मौके बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर एंट्री के, तब वापस से एंट्री लेना, राइट? जैसे मैंने आपको बताया 33 को अगर क्रॉस करता है तो आप एंट्री ले लो वापस से, राइट? अगर नीचे आता है फॉर श्योर तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 25-55 से अगर नीचे आए, 25.55 रुपए से नीचे आए तो भैया हमें यहाँ से निकल जाए। कंप्लीट दोस्तों ये वीडियो एक लर्निंग पर्पस के लिए है, आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए, लगता है तभी यहाँ पर बाइंग या सेलिंग का कोई भी डिसीजन लीजिएगा। ये वीडियो मैं अपने खुद के नॉलेज के हिसाब से ही बना रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपने ऐसा करना चाहिए, बाकी आपको जैसे सही लगे आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इन अ फंडामेंटल लेवल, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं देखिए काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन पीरियड में था। हम सभी जानते हैं कि रिलायंस के यहाँ पर एक बड़ी होल्डिंग है और आने वाले टाइम पर डेफिनेटली दोस्तों वो ये टेक ओवर भी करेगा रिलायंस इसको, और यहाँ से एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन भी होगी, लेकिन उसमें टाइम है और जब तक ये काम चालू नहीं होता है तब तक दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी रेंज दिखाई नहीं देगी, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए मैंने बोला अगर आपके अंदर पेशेंस है देन डेफिनेटली आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बाय करके छोड़ सकते हैं, आने वाले टाइम पर आपको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देगी। सो अगर मैं आपको समराइज करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर टेक्निकली बहुत ही अच्छा एक मोमेंट बना, जिसकी वजह से ये दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त हमें दो कैंडल बनती हुई नजर आई और इतनी अच्छी ग्रोथ नजर आई। कुछ टेक्सटाइल में न्यूज भी आई हुई है, उसका असर भी यहाँ पर दिखाई दिया, बट दोस्तों मैं आपको बताऊं ना तो ये सब जो न्यूज है उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, ठीक है? तो इस ट्रैप में मत फंसना और यहाँ पर इस लेवल पर तो डेफिनेटली बाइंग करने के बारे में मत सोचना, ठीक है? ऑल्दो जो भी आपके थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।